हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का मेरा वीडियो मसूरी के बारे में है। आज मैं आपको मसूरी के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगी। मसूरी, जिसे पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मसूरी कैसे जाना है, मसूरी में कहाँ रुकना है, मसूरी में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, मसूरी में आपको कब जाना चाहिए, कितने दिन आपको रहना चाहिए और मसूरी में क्या खाना चाहिए। इस मसूरी के वीडियो में आपको यह सारी बातों को विस्तार में बताऊंगी, ताकि अगर आप कभी भी मसूरी घूमने जाना चाहे तो आपको टूर में मजा आए और आप अच्छे से घूम पाए, वो भी कम से कम बजट में। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं मसूरी हमें कैसे पहुंचना है। तो हमारे पास तीन विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि आप बाय रोड जा सकते हैं, खुद की कार से या फिर आप बस से भी मसूरी जा सकते हो। आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप बाय ट्रेन भी जा सकते हो। निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून है, जो मसूरी से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आखिर में तीसरा विकल्प है कि आप बाय प्लेन जा सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा बजट हो तो। निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट एयरोड्रोम है, जो 59 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए मसूरी पहुंचने के लिए तो हमें कमेंट लिखकर बता सकते हो। तो अब बात करते हैं कि मसूरी में आप कहां रुक सकते हैं। यहां पर आप होटल सिटी कैसल, होटल मसूरी हाइट्स, सन एंड स्नो मसूरी, होटल क्रिस्टल पैलेस और होटल ओमकार में रुक सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हमें मसूरी कब आना चाहिए और कितने दिन रुकना चाहिए। मसूरी घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून के बीच का है। एक हिल स्टेशन होने के कारण इन गर्मियों के महीनों में मौसम सुखद रूप से ठंडा रहता है। यहाँ पर घूमने के लिए 2 दिन काफी है। तो चलो दोस्तों, अब आगे मसूरी में घूमने के स्थान के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो है केम्प्टी फॉल्स। यह मसूरी में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण और पिकनिक स्थल है। ऊंची पहाड़ी चट्टानों से घिरा केम्प्टी फॉल्स समुद्र तल से लगभग 4,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। झरने के तल पर बना तालाब तैरने और नहाने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान बनाता है। मसूरी देहरादून राजमार्ग पर मौजूद होने के कारण केम्प्टी फॉल्स देश भर से कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। नंबर 2 पर है लाल टिब्बा। स्थानीय भाषा में लाल टिब्बा का मतलब लाल पहाड़ी होता है। इसे मसूरी का सबसे पुराना और सबसे अधिक आबादी वाला स्थान कहा जाता है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए सुखद सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए जाना जाता है, जो आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। नंबर 3 पर है गन हिल पॉइंट। मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गन हिल पॉइंट इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय नज़ारों में से एक है। माल रोड से 1.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस नज़ारे तक 20 मिनट की चढ़ाई पर पहुंचा जा सकता है। शहर और दून घाटी के अन्य हिस्सों के 360 डिग्री दृश्य के अलावा आप यहां से बंदरपंच, श्रीकांत, गंगोत्री और पितवाड़ा हिमालय पर्वतमाला के दृश्य भी ले सकते हो। नंबर 4 पर है कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन मसूरी में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, जो मुख्य माल रोड से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। ऊंचे हिमालय के बीच बसा यह जीवंत बगीचा हरे भरे हरियाली और खूबसूरत फूलों के बीच अपने परिवार और दोस्तों के साथ पूरा दिन बिताने के लिए एक सुंदर जगह है। यहाँ पर मानव निर्मित झरनों के साथ नौक विहार के लिए एक कृत्रिम तालाब भी है। नंबर 5 पर है झरीपानी फॉल्स। मसूरी शहर के केंद्र से लगभग 7 किलोमीटर दूर झरपानी जलप्रपात है। इसका आकर्षण इसके एकांत स्थान में है, जो अभी तक पर्यटकों की भीड़ से प्रभावित नहीं हुआ है। आप झरने की सुंदरता में भीगते हुए घंटों बिता सकते हैं, अच्छी तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं या शिवालिक रेंज सहित झरने के आसपास के दृश्यों की सराहना कर सकते हैं। आपको साइट पर दुर्लभ किस्मों के फूल भी देखने को मिलेंगे। नंबर 6 पर है मसूरी लेक। यह मसूरी के नव विकसित आकर्षण बिंदुओं में से एक है, जिसे सिटी बोर्ड द्वारा बनाया गया था। अगर आप अपने परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, तो यहां बोटिंग या पिकनिक के लिए जा सकते हैं।
इस जगह के आसपास बहुत सारे भोजनालय हैं जहां आप पारंपरिक हिमालयी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। नंबर 7 पर है मॉल रोड। मसूरी के केंद्र में स्थित मॉल एक औपनिवेशिक अवशेष है जिसमें आधुनिक दुकानें, वीडियो गेम पार्लर और स्केटिंग रिंक से भरे बेंच और लैंप पोस्ट हैं। यहां पर आप स्थानीय पारंपरिक पोशाक में तस्वीर ले सकते हो। अब नंबर 8 पर आता है मोसी फॉल्स। घने हरे भरे जंगलों के बीच स्थित यह झरना 145 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है जिससे चारों ओर सफेद धुंध छा जाती है। शांत दृश्य और सुखदायक परिवेश निश्चित रूप से आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। नंबर 9 पर है दलाई हिल्स। मसूरी उत्तराखंड में सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक दलाई हिल्स लाल बहादुर अकादमी के ऊपर स्थित है और हैप्पी वैली के काफी करीब है। दलाई हिल्स सुंदर गढ़वाल पर्वतमाला को देखती हैं और कई तिब्बती प्रार्थना झंडों और भगवान बुद्ध की प्रतिमा के लिए जानी जाती हैं। यहाँ एक बौद्ध मंदिर भी है। पेड़ पौधे और फूल इस क्षेत्र को प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श बनाते हैं जबकि जंगल के रास्ते लंबी पैदल यात्रा के लिए आदर्श हैं। शांति और दृश्यों को देखते हुए यह स्थान सूर्यास्त को देखने, परिवार के साथ पिकनिक मनाने, कैंपिंग के लिए और फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा है। नंबर 10 पर है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। मसूरी घाटी के नज़ारों वाली एक चट्टान की चोटी पर स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस शांति और पुरानी यादों की भावना प्रदान करता है। 1832 में निर्मित यह घर मसूरी में गांधी चौक से 6 किलोमीटर पश्चिम में पार्क एस्टेट में स्थित है और इसे पार्क हाउस के नाम से भी जाना जाता है। किनारे पर सुंदर दून घाटी के मनोरम स्थलों, शक्तिशाली अगला नदी घाटी और उत्तर में शानदार हिमालय की चोटियों के साथ सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस एक पुराने विश्व आकर्षण रखता है और इतिहास प्रेमियों, प्रकृति के प्रति उत्साही और साहसिक यात्रियों को इसे देखने के लिए आकर्षित करता है। अब आगे बात करें कि मसूरी में आप क्या क्या शॉपिंग कर सकते हो। मसूरी में आप कई चीजें खरीद सकते हैं जिनमें शॉल, तिब्बती प्रार्थना के पहिए, हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित गहने और वूलन क्लोथ शामिल हैं। अब आगे बात करें कि मसूरी में आप क्या क्या खा सकते हो। यहाँ पर आप मोमोज, नूडल्स, मिर्च आलू, चिकन फ्राइड राइस, स्प्रिंग रोल और सिज़लर का आनंद उठा सकते हो। तो अब तक हमने आपको जो भी जरूरी जानकारी है वो दे दी है। फिर भी अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए मसूरी टूर गाइड के बारे में तो आप मुझे कमेंट लिखकर भी बता सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको हमारा मसूरी का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जरूर से लाइक करेंगे। और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टूर गाइड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।